रात के समय प्लेन में शेर का बच्चा था जो खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज से एलमा डर गई और बाहर जाकर देखा तो इसे कुछ नहीं दिखा। अगली सुबह इन्होंने स्नो नाम के भेड़िया को कैद करने के लिए जाल बिछाया और कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गया, लेकिन इनके आने से पहले ही स्नो इस जाल को काट कर भाग निकला और ये तैर कर आईलैंड की दूसरी ओर पहुँच गया जहाँ इसकी मुलाकात एलमा से हुई। पहले तो एलमा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादाजी की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एलमा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी और ये पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने इसे नीचे धक्का दे दिया और ये जाकर सीधा एलमा की गोद में गिरा। एलमा भी इसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। तीन प्यारे जानवर देखकर एलमा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन इन्होंने एलमा से कहा इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। अंकल ने कहा शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन आगे इन जानवरों के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।